हेलो दोस्तों, भानीराम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था अलैंगिक प्रवर्धन की विधियां, जिसमें अपने विभाजन पढ़ चुके हैं, कटिंग पढ़ चुके हैं। तीसरा जो मेथड है वह रूपांतरित कलम, मॉडिफाइड कटिंग। देखो, अपने कटिंग या कलम की परिभाषा क्या पढ़ी थी? पौधे का कोई सा भी वानस्पतिक भाग है, उसका टुकड़ा करके अपने दूसरी जगह लगा के उससे नया पौधा तैयार कर लेते हैं, तो वो क्या था? कलम। अब रूपांतरित कलम क्या है? पौधे का कोई ऐसा भाग जो रूपांतरित हो चुका है, उसे एजे कटेंगे, एजे कलम के रूप में काम में लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? रूपांतरित कटिंग कहलाएगा। अब देखिए, इसमें चार है, रूपांतरित कलम की चार विधियां हैं। सबसे पहले मैं बात करूं ट्यूबर्स। ट्यूबर को हिंदी में अपने क्या बोलेंगे? कंद। देखो, कंद क्या होता है? एक भूमिगत रूपांतरित तना होता है, यानी भूमि के अंदर जो रूपांतरित तना है उसको क्या बोलेंगे? अपने भूमिगत रूपांतरित तना बोलेंगे, जो भोजन संग्रहण के कारण फूल जाता है और इस पर ये अपस्थानी कलिकाएं पाई जाती है। अपस्थानी कलिका, ये जो तना है वो भोजन संग्रहण के कारण फूल जाता है। अपस्थानी कलिका बोले तो एडवांटेज वर्ड है ना, तो ये भूमिगत रूपांतरित तना है जो भोजन संग्रहण के कारण फूल जाता है। अब इस पर अपस्थानी कलिकाएं पाई जाती है, अगर अपने इसके टुकड़े करके लगाएं तो ये नए पौधे के रूप में तैयार हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आलू, आलू के टुकड़े करके लगाते हैं तो नया पौधा तैयार हो जाता है। तो आलू क्या है? एक भूमिगत रूपांतरित तना है जो भोजन संग्रहण के कारण फूल जाता है। आलू पर ये जनरली अपस्थानी कलिकाएं देखने को मिल जाती है अपने, इसको सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं? आंख बोल देते हैं। तो इसी तरह से आलू है, शकरकंद है, कसावा है और एरोरूट है, उसके अलावा डहलिया है, उसके अलावा जीरेनियम है। इनमें क्या होता है? कंद पाया जाता है, यानी भूमिगत रूपांतरित तना होता है जो भोजन संग्रहण से फूला हुआ होता है। उस पर ऐसी अपस्थानी कलिकाएं पाई जाती है, इसको पूरे के लगा दोगे तो फुटान हो जाएंगे, इसके टुकड़े करके लगा दोगे तो फुटान हो जाएंगे। आपने देखा होगा आलू की रोपाई इसी तरह से की जाती है। जो नया आलू तैयार करेंगे तो आलू के टुकड़े करके अपने लगाते हैं, यानी आलू को ही बीज के रूप में काम में लेते हैं। दूसरा है राइजोम। राइजोम को अपने हिंदी में बोल देते हैं परकन। ये भी क्या होता है? भूमिगत रूपांतरित तना होता है, लेकिन ये भी क्या होता है? भोजन संग्रहण के कारण फूल जाता है। ये भी भूमिगत रूपांतरित तना है और कंद भी क्या है? भूमिगत रूपांतरित तना है, लेकिन इनमें फर्क क्या होता है? परकंद के अंदर संधि और परोसंधि पाई जाती है। संधि ये जो बीच वाला हिस्सा है, नोड जिसको बोलते हैं, और बीच का जो हिस्सा है उसको अपने क्या बोलेंगे? परवसंधि बोल देंगे, परवसंधि बोल देते हैं। सिर्फ इनकी बनावट का ही फर्क होता है। ये जो कंद है भूमिगत रूपांतरित तना है, इस पर आपको संधियां परवसंधियां देखने को नहीं मिलती है, और इस पर संधियां परवसंधियां देखने को मिलती है। जहां पर संधि होती है, नोड होता है, वहां पर अपस्थानी कलिकाएं पाई जाती है। ये अपस्थानी कलिकाएं, इसके भी अपने टुकड़े करके लगाएंगे तो नया पौधा तैयार हो जाता है। इस तरह से प्रवर्धन किसमें किया जा सकता है? जैसे आप जानते ही होंगे, हल्दी, अदरक और वाटर लिली, जल लिली, जल लिली। जैसे नहर वगैरह में आते ना, कई लोकल भाषा में केली भी बोल देते हैं, केले के समान लगती है इसलिए केली बोल देते हैं, वैसे सजावटी पौधे के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया राइजोम। ये भी भूमिगत रूपांतरित तना जो भोजन संग्रहण के कारण फूल जाता है, इसके भी टुकड़े करके लगाएंगे तो नया पौधा तैयार हो जाएगा। इन दोनों के फर्क सिर्फ क्या है? संधि और परवसंधि का ही फर्क है। नेक्स्ट जो रूपांतरित कलम है उसमें तीसरा एग्जाम्पल है कोरम। कोरम को अपने क्या बोलते हैं? घन कंद कहा जाता है। ये भी रूपांतरित भूमिगत तना है, इसकी भी बनावट क्या होती है? थोड़ी अलग होती है, बीच में हल्की परवसंधि परवसंधि दिखाई देती है, और जो इस पे अपस्थानी कलिकाएं होती है वो उठी भी दिखाई देती है। ये भी भूमिगत रूपांतरित तना जो भोजन संग्रहण के कारण फूल जाता है। ऐसा किसमें देखने को मिलता है आपको? अरबी, जमीकंद और ग्लेडुलस। ग्लेडुलस क्या होता है? पुष्पीय पौधा होता है, ठीक है, जिसके स्पाइक काम में लिए जाते हैं, तो इनके भी टुकड़े करके लगाओगे तो आपने यह पौधा तैयार हो जाता है। नेक्स्ट रूपांतरित कलम का अगला एग्जाम्पल है बल्ब।
बल्ब को हिंदी में अपने बोलते हैं सलक कंद। अब देखिए जो बल्ब और सलक कंद है वो इन तीनों से थोड़ा सा अलग है। ये भूमिगत रूपांतरित तना व पत्तियों का भाग होता है, यानी ये पत्तियों और तने का रूपांतरित भाग होता है जो भोजन संग्रहण के कारण फूल जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल बात करूं, आपने देखा होगा प्याज, प्याज के जो सलक है यानी जो पत्तियां हैं वो क्या होती है, भोजन संग्रहण के कारण फूल जाती है। तो प्याज किसका रूपांतरण होता है, पत्तियों का रूपांतरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है प्याज का रूपांतरण क्या है, तो ये पत्तियों का रूपांतरण होता है। तो जो अगर प्याज के सलक कंद की बात करें तो ये किसका रूपांतरण होगा, पत्तियों का। प्याज जैसा ही कंद होता है वो किसका होता है, रजनीगंधा का, रजनीगंधा। ये दोनों ही किसके रूपांतरित है, पत्तियों के रूपांतरित भाग। पत्तियों का रूपांतरण है ये। उसके अलावा लहसुन की अगर बात करें, लहसुन है वो तना और पत्तियों दोनों का रूपांतरण है, तना व पत्ती दोनों का ही रूपांतरण होता है। यानी सलक कंद होता है वो तने व पत्ती में किसी का भी रूपांतरण हो सकता है। इसमें पर्टिकुलर प्याज और रजनीगंधा होता है वो किसका रूपांतरण होता है, पत्तियों का। और जो लहसुन है वो किसका रूपांतरण होता है, तना व पत्ती का रूपांतरण होता है। लहसुन के अंदर आपने देखा होगा अलग अलग कलिकाएं होती है, एक कलिका को पर्टिकुलर अपने क्या बोलते हैं, कलौ। तो लहसुन की एक कलिका को क्या बोलते हैं, कलौ। और लहसुन में व्यावसायिक स्तर पर जो अपने पौध तैयार करते हैं, सॉरी जो फसल लगाते हैं यानी प्रवर्धन करते हैं, वो किसके द्वारा होता है, कलौ। तो लहसुन का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, कलौ। ये सभी तने और पत्तियों के रूपांतरण, इनमें से ट्यूबर, राइजोम और कोरम तीनों ही तने के रूपांतरित रूप है, भोजन संग्रहण के कारण फूल जाते हैं और भूमिगत तना होता है। बल्ब सलक कंद तने का भी रूपांतरण हो सकता है, पत्तियों का भी रूपांतरण हो सकता है। पत्तियों के रूपांतरण की बात करें तो प्याज और रजनीगंधा है, और तने व पत्ती के रूपांतरण की बात करें तो लहसुन है। तो इनके द्वारा अपने नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो एलिंगिक परिवर्तन की तीसरी विधि होगी अपने रूपांतरित कलम या फिर मॉडिफाई कटिंग। आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट जो एलिंगिक परिवर्तन की अगली विधि है वो है लेयरिंग, दाब लगाना। लेयरिंग, लेयरिंग बोले तो दाब विधि। देखो दाब विधि क्या होती है, कोई पौधा होता है उसकी जो भूमि के आसपास निचली शाखा होती है उसे मिट्टी में दबा देते हैं और वहां से जड़ों का फुटान हो जाता है और उसे नए पौधे के रूप में लगा देते हैं, इसको दाब विधि कहते हैं। एक तो हमने पढ़ा था कलम कटिंग और दूसरा दाब विधि। देखो कलम के अंदर तो आपने क्या किया, पौधे का टुकड़ा अलग करके दूसरी जगह लगाया। इसमें टुकड़ा अलग नहीं किया, इसमें मिट्टी में दबा दिया, पौधे मात्र पौधे के साथ शाखा जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या होगा, पानी का जो सप्लाई है, पानी जो इसको है वो लगातार मिलता रहेगा। तो जो दाब विधि है वो ज्यादा कामयाब होती है कलम से, यानी सक्सेस रेशियो ज्यादा किसमें मिलेगा, लेयरिंग में, दाब विधि में। लेकिन कितनी शाखाओं को आप झुका झुका के मिट्टी में दबा सकते हो, तो दाब विधि में क्या होते हैं, पौधे संख्या में कम तैयार होते हैं और कलम से पौधे संख्या में ज्यादा तैयार होते हैं, इसलिए ज्यादा जो प्रचलित है वो कलम है। लेकिन सफलता अगर देखी जाए तो किसकी ज्यादा होती है, दाब विधि की होती है। अब अपने दाब विधियों के आगे बात करते हैं, मेथड ऑफ लेयरिंग, दाब विधियों की विधियां। अब सबसे पहला आता है इसके अंदर टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग को अपने बोल देते हैं शीर्ष दाब विधि, शीर्ष दाब विधि। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, जैसे ये कोई पौधा है, इसकी जो निचली शाखाएं हैं उसको झुका कर इसे मिट्टी में दबा देते हैं, इसका शीर्ष भाग मिट्टी में दबा देते हैं। कल अपने बात कर रहे थे, यानी पिछले वीडियो के अंदर अपने बात कर रहे थे कि पौधे की शीर्ष में हमेशा ही क्या होती है, कलिका होती है और फूली हुई होती है। अब ये शाखाएं हमने दबा दी है तो उस शाखा का शीर्ष भाग दबाया, यानी कलिका दबा दी, फुटान हमेशा कलिका से ही होने वाला होता है। ये शाखाएं ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, इसलिए अपने यहाँ पे कोई खुंटी वगैरह गाड़ के इसको बांध देते हैं ताकि ये ऊपर नहीं उठ पाए। इस शाखा को ज्यादा गहरा दबा देंगे तो फुटान नहीं हो पाएगा, इसलिए अपने खुंटी से इसको बांध देते हैं। कुछ समय बाद क्या होगा, इससे फुटा निकल जाएगा, इस तरह से ये नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसे अलग करके अपने नए पौधे के रूप में लगा सकते हैं। तो ये कौन सी होगी, टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग के एग्जांपल है जैसे रोजबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी। इनके अंदर जो परिवर्धन है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, शीर्ष दाब विधि द्वारा किया जा सकता है। अब देखिए लेयरिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं।
लेरिन के लिए, दाविदी के लिए जो शाखा का चुनाव करते हैं वो कितनी पुरानी होनी चाहिए? 4 से 6 माह है पुरानी शाखा, इससे ज्यादा पुरानी शाखा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लेरिन के लिए 4 से 6 माह है पुरानी शाखा। इनके अंदर फुटान होता है वो 8 से 15 दिन में लगभग शुरू हो जाता है और 45 दिन में अच्छा खासा फुटान हो जाता है, यानी इसको मात्र पौधे से अलग किया जा सकता है 45 दिन में। यानी स्थानांतरण के लिए कितने दिन में तैयार हो जाता है? 45 दिन में। सभी दाविदियों के लिए ये बात लागू होती है। दूसरी जो दाविदी है वो है सिंपल लहरी। सिंपल लहरिंग, सिंपल लहरिंग को अपने बोलेंगे साधारण दाब विधि, साधारण दाब विधि। देखो इसके अंदर अपने क्या करते हैं, ये कोई पौधा है पर्टिकुलर, इसकी अपने निचली शाखा को झुकाएंगे, ये अपने शाखा झुकाई है और बीच में से मिट्टी में दबा देंगे। जो स्थान हमने मिट्टी में दबाया है उस जगह पर अपने क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की एदा सहित छाल उतार देंगे। ये देखो यहां पे अपने इसको जूम करके देखें, बड़ा करके देखें, ये शाखा थी, इससे अपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर की एदा सहित, ऊपरी ऊपर क्या होता है छाल, उसके नीचे जो चिकना पदार्थ होता है उसको एदा या कैम्बियम बोलते हैं, तो उसको भी हटा देंगे। छाल को उठाने के बाद क्या करेंगे, चाकू से, उल्टे चाकू से रगड़ देंगे तो वो एदा भी हट जाएगी। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखो पौधे की छाल में क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। हमने फ्लोएम को डैमेज कर दिया, फ्लोएम को क्या कर दिया, डैमेज। अब यहां से जो भोजन बनेगा वो यहां पर जाकर भंडारित हो जाएगा, मतलब यहां पे जाकर रुक जाएगा, यहां इकट्ठा होने लग जाएगा, ठीक है। और जाइलम होता है वो लकड़ी के अंदर होता है अंदर, तो जाइलम तो हमने डैमेज किया ही नहीं है, जाइलम तो क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। अब यहां भोजन रुक गया, इसकी वजह से यहां से क्या होगा, जड़ों का फुटान हो जाएगा कुछ समय बाद, वही 8 से 15 दिन में जड़ों का फुटान हो जाता है। हो सकता है फुटान यहां से भी निकल जाए, लेकिन ये अपने को नहीं लेना है, ठीक है, इसको तोड़ देना। अब अपने वही 45 दिन बाद क्या करेंगे, इसको यहां से अलग करेंगे और नए पौधे के रूप में लगा देंगे। यहां से वाला जो पौधा है वो नया है, इसकी तुलना में कम, इतना ज्यादा हेल्थी नहीं है, इसलिए अपने क्या करेंगे, इस पौधे को हटाकर यही पौधा अपने लेने वाले हैं। तो 45 दिन में आप इसे अलग करके नए पौधे के रूप में लगा सकते हो। अब यही शाखा ऊपर उठने की भी कोशिश करेगी तो अपने यहां भी खुंटी गाड़ के क्या करेंगे, इसको बांध देंगे। तो ये साधारण दाविदी होगी। साधारण दाविदी किसमें काम में ली जाती है, जैसे जास्मीन, जास्मिन बोले तो जास्मिन में क्या क्या आता है, चमेली, मोगरा और जूही, इनके अंदर अपने क्या है, सिंपल लेयरिंग से प्रवर्धन कर सकते हैं। उसके अलावा जास्मिन के अलावा और किसमें काम में लिया जा सकता है, जैसे बोगनविलिया वगैरह में भी इसको काम में लिया जा सकता है। बोगनविलिया में काम में ले सकते हैं, एक क्ले डेंड्रोन जो बेल आती है, क्ले डेंड्रोन, ये भी सुंदर फूलों वाली बेल होती है, यानी एक क्लाइंबर होती है। तो ये हो गया सिंपल लेयरिंग, ठीक है, एग्जांपल अच्छे से याद कर लेना, एग्जांपल ही एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तीसरा है कंपाउंड लेयरिंग। कंपाउंड लेयरिंग, कंपाउंड लेयरिंग को क्या बोलेंगे, मिश्रित दाब विधि, मिश्रित दाब विधि। इसमें क्या होता है, देखिए ये पौधा है, इसकी कोई निचली शाखा का चयन करेंगे और उसको क्या करेंगे, भूमि में एक की बजाय 2-3 जगह से दबा देंगे और जहां से भी दबाएंगे वहां क्या करेंगे, अपने इसी तरह से एदा सहित क्या करेंगे, छाल उतार देंगे, यहां एदा सहित छाल, जैसा हमने सिंपल लेयरिंग के अंदर किया था, सेम वही सिंपल लेयरिंग। और इसमें इतना ही फर्क है कि इसमें अपने शाखा को एक ही जगह से दबाते हैं और इसमें क्या करते हैं, एक से ज्यादा जगह पर दबा दिया जाता है। वो यहां पे क्या होगा, जड़ों का फुटान निकल जाएगा, यहां वाला फुटान लेना अपने इस बार यहां से जो शाखा का फुटान हो गया वो क्या करेंगे, अपने रख लेंगे, और लास्ट वाले का अपने इस शाखा का नया लेके क्या करेंगे, ये फाइनल जो शाखा है वो लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी होगी, ज्यादा हेल्थी होगी। अब इनको यहां से काट काट कर क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे और नए पौधे के रूप में लगा देंगे। दोनों एक जैसी ही विधियां हैं, फर्क इतना ही है, इसमें शाखा को एक जगह दबाएंगे और इसमें शाखा को एक से ज्यादा जगह दबाएंगे। ऐसा किसमें किया जाता है, सेम वही अपने जहां से दबाएंगे वहां छाल को एदा सहित उतार लेंगे। इसके एग्जाम्पल वही जास्मिन, जास्मिन में वही कौन कौन से आ जाएंगे, चमेली, मोगरा और जूही आ जाएंगे, उसके अलावा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। अब देखिए जब इस शाखा को दबाते हो तो ये सर्प के आकार की बनती है, इसलिए इसको सर्पाकार दाब विधि भी कह देते हैं, सर्पाकार दाब विधि कह देते हैं।
इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सरपेंटाइन लेयरिंग, सरपेंटाइन लेयरिंग बोल देते हैं। ये दाब विधि की तीन विधियां हो गई। नेक्स्ट अपने विधि की बात करें तो नेक्स्ट विधि है अपनी ट्रेंच लेयरिंग। नाली दाब विधि, नाली दाब विधि इसमें क्या करते हैं, ये जनरली क्या होता है, जो बादाम होता है उसमें मूल वरण तैयार करने के लिए, बादाम में मूल वरण तैयार करने के लिए अपनाई जाती है। इसमें जैसे कोई निचली शाखा है उसको अपने क्या करेंगे, यहां नाली खोद लेंगे 5 से 10 सेंटीमीटर गहरी नाली, और यहां से क्या करेंगे, शाखा जो है उसको झुकाएंगे और इसमें ट्रेंच में नाली में से रख देंगे। जहां जहां इस शाखा में कलिका होगी वहां वहां से क्या हो जाएंगे, फुटान हो जाएंगे, इस तरह से फुटान हो जाएंगे। नाली खोद के उसमें शाखा रख के उस पर क्या करेंगे, मिट्टी डाल देंगे, तो यहां यहां से फुटान हो जाएंगे, फिर इनको अलग कर लिया जाता है। तो ये ट्रेंच लेयरिंग किसमें अपनाई जाती है, बादाम के अंदर अपनाई जाती है। तो ये चौथी विधि होगी लेयरिंग की, ट्रेंच विधि। अब अपने पांचवी विधि की बात करें तो पांचवी विधि है एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को अपने वायुदाब विधि या फिर बोल देते हैं गुट्टी दाब विधि, चाइना से विकसित है इसलिए इसको चाइनीज लेयरिंग भी बोल देते हैं, और इसको मार्कोटेज लेयरिंग भी बोल दिया जाता है, मार्कोटेज लेयरिंग भी बोल दिया जाता है। ये मार्कोटेज लेयरिंग, इसमें अपने क्या करेंगे, वायु दाब विधि। अभी तक जितनी भी अपने दाब विधियों की बात करें उसमें शाखा को मिट्टी तक झुकाना पड़ता है। इसमें अपने क्या करेंगे, शाखाएं टेरिसरी शाखाएं चुनते हैं। टेरिसरी शाखाएं कौन सी होती है, प्राथमिक शाखाओं से द्वितीय शाखाओं से निकलने वाली, द्वितीय शाखा से निकलेंगे वो तृतीय है, तृतीय से निकलने वाली टेरिसरी, ये प्राथमिक है इससे निकलने वाली द्वितीय, और द्वितीय से टेरिसरी, यानी द्वितीय और तृतीय शाखाएं या इनसे भी आगे निकलने वाली को अपने उपशाखाएं बोलते हैं। जैसे अपने ये शाखा चुनी, शाखा कितनी पुरानी होनी चाहिए, 4 से 6 माह पुरानी होनी चाहिए। इसका जो आधार भाग है इसे अपने 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पे क्या करेंगे, वही 1 सेंटीमीटर के आसपास की एदा सहित अपने छाल उतार लेंगे, ये अपने एदा सहित छाल उतार दी है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, फ्लोएम डैमेज हो गया, जो ऊपर भोजन बनने वाला है जैसे अपने ये मान लेते हैं, ये इस तरह की शाखा, यहां से जो भोजन आ रहा है वो यहां आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। लेकिन यहां से जो फुटान निकलेगा जड़ों का, वो तभी निकलेगा जब उसको माध्यम मिलेगा। जनरली पौधों के लिए प्राकृतिक माध्यम क्या होता है, मृदा होती है। तो अगला स्टेप क्या होगा, देखो इसका अगले स्टेप में अपने क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, चिकनी मृदा और मोस घास दोनों का मिश्रण इसके ऊपर बांध देंगे। चिकनी मिट्टी क्यों लिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी में चिपकने का गुण ज्यादा होता है, ससंजन और असंजन बल ज्यादा होता है। मोस घास जो कुल्लर में घास लगती है उसको अपने क्या बोलते हैं, मोस घास, इसकी नमी और शोषण की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। इन दोनों का अपने मिश्रण क्या करेंगे, लगभग एक गुट्टी के आकार का इसके ऊपर बांध देंगे। गुट्टी बोले तो एक मुट्ठी में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, गुट्टी। ये इस तरह से इसके ऊपर चिकनी मिट्टी और घास का मिश्रण बांध दिया। अब इससे क्या होगा कि इसके अंदर जड़ें निकल जाएगी, पौधे और जड़ों को माध्यम चाहिए, तो माध्यम क्या मिल जाएगा, इसको मिट्टी मिल जाएगी। मोस घास को स्पेंगोमन घास भी बोलते हैं, इसकी जो जल अवशोषण क्षमता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। अब इसके ऊपर अपने क्या करेंगे, पॉलीथीन बांध देंगे ताकि ये मिट्टी वगैरह बिखरे नहीं और वाष्पीकरण से सूखे नहीं, नमी बरकरार रहेगी। अब इस तरह से बांध दिया। अब इसमें क्या होगा, कुछ समय बाद जड़ों का फुटान होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको, ये पॉलीथीन बंधा हुआ है, बीच में क्या स्पेंगोमन घास यानी मोस घास भी है,
और चिकनी मिट्टी भी है। अब इसके बीच में आप देखोगे तो ऐसे जड़ों का फुटान दिखने लग जाएगा। अब इसको लगभग 45 दिन में क्या करोगे, यहां से काटकर नए पौधे के रूप में लगा दोगे। वायुदाह विधि से क्या फायदा होता है, देखो जो दाह विधि होती है उसकी जो लिमिटेशन होती है वो होती है कि इसमें पौधे संख्या में बहुत कम तैयार होते हैं, लेकिन वायुदाह विधि अपने को पौधों को झुकाकर मिट्टी तक तो लाना नहीं है, यानी शाखाओं को मिट्टी तक तो लाना नहीं है, वायु भाग में अपने 10 15 20 शाखाओं का चयन करके उन पे वायु दाब कर सकते हैं, यानी दाब लगाने की ये ऐसी विधि है जिसमें सर्वाधिक पौधे तैयार होते हैं। ये विधि किस किस में काम में ली जा सकती है, ये विधि तो आपको समझ में आ गई होगी। इसमें क्या है, अपने हवा के अंदर ही वायु के अंदर ही दाब लगा दिया, इसलिए इसको वायु दाब विधि कहते हैं। गुट्टी के आकार का इसमें माध्यम बांध दिया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गुट्टी विधि भी कहा जाता है। ये काम में लेते हैं अपने सिट्रस में, सिट्रस में पौधे यानी नींबू वर्गीय में तैयार कर सकते हैं, उसके अलावा अमरूद में कर सकते हैं, उसके अलावा अनार में कर सकते हैं, अनार के अलावा लीची में कर सकते हैं और चेरी में कर सकते हैं। ये विधि इनके अंदर अपनाई जाती है। तो ये पांचवी विधि होगी एयर लेयरिंग। नेक्स्ट जो दाह विधि है उसकी बात करें वो है स्टूलिंग। स्टूलिंग को अपने और क्या बोल देते हैं, माउंड लेयरिंग, या फिर इसको बोलेंगे ढेरी अथवा टीला दाब विधि। टीला दाब विधि ढेरी बोल देंगे या टीला दाब विधि बोल देंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये जनरली किसमें अपनाई जाती है, अमरूद में व्यवसायिक स्तर पर अपनाई जाती है, लीची में अपना सकते हैं लेकिन वैली अमरूद में अपनाई जाती है। इसमें अमरूद के बीज से या कलम से, ज्यादातर कलम से ही क्या करते हैं, पौधा तैयार करते हैं। अब ये पौधा जब 2 साल का हो जाता है तब अपने इसको क्या करेंगे, जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर हाइट तक काट देंगे। इसको काट दिया, काटने के बाद क्या करेंगे, अब देखो जड़ें हैं इसमें भोजन भंडारित है, जल अवशोषण हो रहा है, पोषक तत्वों का अवशोषण हो रहा है, कुछ तने में भोजन भंडारित है, तो इसके चारों तरफ से क्या होगा, इसे खूब सारी शाखाएं निकल जाएगी। जैसे अपने कई बार पेड़ कटा हुआ देखा होगा, उसके पास से बहुत सारी शाखाएं निकल जाती है ना कटने के बाद। अब ये जब शाखाएं आ जाएगी तब अपने क्या करेंगे, इस पर मिट्टी चढ़ा देंगे। ये मिट्टी चढ़ा दी और ये मिट्टी की ढेरी बना देंगे, इसलिए इसको ढेरी अथवा टीला दाब विधि। स्टूल की तरह काटा इसलिए स्टूल लेयरिंग बोल देते हैं, ढेरी बनाई इसलिए माउंड लेयरिंग है, ढेरी या टीला दाब विधि बोल देते हैं। अब क्या होगा, इन शाखाओं में जहां जहां कलिकाएं हैं तो मिट्टी के संपर्क की वजह से क्या होगा, इन शाखाओं से जड़ों का फुटान हो जाएगा, ये जड़ों का फुटान हो जाएगा। अब इन शाखाओं को अलग अलग करके नए पौधे के रूप में लगा देते हैं, मात्र पौधे से अलग अलग करके इनको नए पौधे के रूप में लगा देते हैं। तो ये अमरूद में व्यवसायिक स्तर पर अपनाई जाती है, इसको स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग कहते हैं। तो ये दाह विधियां अपनी कंप्लीट हुई। तो दाह विधियां कितनी थी, 6 थी। नेक्स्ट अगली अपने अलैंगिक प्रवर्धन की बात करें तो नेक्स्ट अगला जो अलैंगिक प्रवर्धन है उसमें अपने बात करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर। माइक्रो प्रोपोगेशन या फिर इसको बोल देंगे अपने सूक्ष्म प्रवर्धन, या फिर इसको बोल देंगे टिश्यू कल्चर को हिंदी में क्या बोलेंगे अपने, उत्तक संवर्धन। ये एक बायोटेक्नोलॉजी है यानी जैव प्रौद्योगिकी तकनीक है। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, कोई भी पौधा है उसका कोई उत्तक लेते हैं अपने, कोई सा भी उसका भाग ले लिया ना, एक अपने उत्तक लेते हैं उसका, कोई सा भी उसका टुकड़ा ले लिया। इस उत्तक को क्या करते हैं, अपने कृत्रिम माध्यम में रखते हैं। कृत्रिम माध्यम किस में तैयार किया जाता है, पैट्री डिश में तैयार किया जाता है, कांच की बनी होती है ना पैट्री डिश। इसके अंदर क्या होता है, आवश्यक पोषक तत्व कौन सी अवस्था में होते हैं, तरल अवस्था में होते हैं। कुछ अपने इसमें वृद्धिकारक हार्मोन होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिनको शॉर्ट में पीजीआर बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादपवर्ती हार्मोन, वो काम में ले लेते हैं। वो भी कौन सी अवस्था में काम में लेते हैं, तरल अवस्था में। ये दोनों तरल अवस्था में इसको ठोस बनाने के लिए एगर काम में लेते हैं। ये समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है, ये क्या करता है, ठोस बनाता है इस माध्यम को। लगभग ये कैसा माध्यम होगा, जेली जैसा। ये कृत्रिम माध्यम तैयार कर लिया। ये जो हमने पौधे का उत्तक लिया वो इस कृत्रिम माध्यम के अंदर रखते हैं। ये जो काम करते हैं अपने सारा का सारा कौन से वातावरण में करते हैं, कृत्रिम वातावरण में करते हैं, कृत्रिम वातावरण के अंदर करते हैं। जिससे इस छोटे से उत्तक से क्या होता है, पूरा पौधा तैयार हो जाता है। इस छोटे से उत्तक से पूरा पौधा तैयार होने की क्षमता को अपने बोलते हैं टोटिपोटेंसी।
टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी को हिंदी में बोलेंगे अपने पूर्ण सशक्तता, पूर्ण सशक्तता कैसे लिखते हैं हिंदी में थोड़ा देख लेना आप, पूर्ण सशक्तता बोलते हैं। तो अब मैं टिश्यू कल्चर बोलूं क्या होता है, पौधे के किसी उत्तक को कृत्रिम माध्यम और कृत्रिम वातावरण में रखकर उससे नया पौधा तैयार करना क्या कहलाता है, उत्तक संवर्धन या माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। पौधे का छोटा भाग लिए इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। पौधे के छोटे से भाग से पूरा पौधा तैयार होने की क्षमता क्या कहलाती है, टोटिपोटेंसी या पूर्ण सशक्तता। यह क्षमता सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, पादपों के अंदर होती है। उत्तक संवर्धन के अंदर ये जो छोटा सा भाग लेते हैं इसको बोल देते हैं कर्तोत्तक, क्या बोलते हैं इसको, कर्तोत्तक, या फिर इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको, एक्सप्लांट बोलते हैं। जो हमने कृत्रिम माध्यम जो तैयार किया है जिसके अंदर पौधे को रखना था, ये कृत्रिम माध्यम है। इस कृत्रिम माध्यम को अपने क्या बोल देंगे, संवर्धन माध्यम, संवर्धन माध्यम। इंग्लिश में बात करें तो इसको अपने क्या बोलेंगे, कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया बोलेंगे, ठीक है। और जो कृत्रिम वातावरण है वो कहां पर अपने विकसित करेंगे, टिश्यू कल्चर लैब में, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के अंदर अपने कृत्रिम वातावरण नियंत्रित करेंगे। तो उत्तक संवर्धन की जो प्रयोगशाला है उसके अंदर अपने कर्तोत्तक को कल्चर मीडिया के अंदर रख के उससे जो पौधा तैयार कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। एक छोटे से भाग से पूरा पौधा तैयार होने की क्षमता क्या कहलाती है, टोटिपोटेंसी। जो अपना कल्चर मीडिया उसमें आवश्यक पोषक तत्व जो सत्र है वो कौन सी अवस्था में लेते हैं, तरल अवस्था में। पीजीआर है वो भी तरल अवस्था में लेते हैं। इन दोनों को जो जेली जैसा थोड़ा अर्धठोस बनाने के लिए क्या काम में लिया जाता है, एगर। एगार ये सॉलिडिफाइंग एजेंट है, कहां से प्राप्त होता है, समुद्री शैवाल से ये प्राप्त होता है। पीजीआर जो सबसे महत्वपूर्ण है उत्तक संवर्धन के लिए वो कौन कौन सा आता है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। सबसे महत्वपूर्ण जो पादप वृद्धि नियंत्रक है उत्तक संवर्धन के लिए वो साइटोकाइनिन, और दूसरे नंबर का है वो कौन सा है, ऑक्सिन। साइटोकाइनिन क्या करेगा, फटाफट कोशिका विभाजन करेगा, छोटा सा भाग है कोशिका विभाजन। सबसे पहले जब कोशिकाएं विभाजित हो जाएगी तब क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़नी है, तो लंबाई बढ़ाने का काम कौन करेगा, ऑक्सिन करेगा। तो ये हार्मोन उत्तक संवर्धन के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारा का सारा काम कृत्रिम वातावरण यानी टिश्यू कल्चर लैब, टिश्यू कल्चर लैब बहुत ही प्रोटेक्ट होनी चाहिए। यहां सबसे बड़ी समस्या कंटामिनेशन की होती है, यानी संक्रमण की ज्यादा समस्या होती है, ठीक है। तो ये अपने टिश्यू कल्चर, इसमें पौधे का छोटा भाग लेते हैं इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन बोल दिया जाता है। अब देखिए ये तो होगी एक भी उत्तक संवर्धन कहते किसे हैं। भारत में सर्वाधिक उत्तक संवर्धन से फलों में जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो केले के तैयार किए जाते हैं। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक उत्तक संवर्धन से जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो केले के पौधे तैयार किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर किसके तैयार किए जाते हैं, पपीता के। तो फलों में सबसे ज्यादा केले के और दूसरे नंबर पे पपीता के। और फूलों के अंदर बात करें तो ऑर्किड के सबसे ज्यादा पौधे तैयार किए जाते हैं। ऑर्किड नाम सुना होगा आपने, इसको रॉयल फ्लावर, शाही फूल भी कहा जाता है। ये जनरली ओपन क्लाइमेट में तो होता नहीं है, इसको अपने क्या करते हैं, पॉली हाउस ग्रीन हाउस में लगाया जाता है, वो भी कोकोपीट पर, जो नारियल के छिलके वगैरह की जो खाद बनती है उसके अंदर लगाया जाता है। टिश्यू कल्चर में जो पौधा तैयार होता है उसको छोटे गमलों में स्थानांतरित करके पॉली हाउस ग्रीन हाउस में ले जाया जाता है। वहां से जब वो थोड़ा कठोर हो जाता है, बाहरी वातावरण के अनुकूल हो जाता है, तब अपने सामान्य नर्सरी में ले जाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, खेत में स्थानांतरित किया जाता है। ये टिश्यू कल्चर में रहता है। अगर मैं बात करूं राजस्थान में सबसे ज्यादा टिश्यू कल्चर से किसके पौधे तैयार किए जाते हैं, तो फलों में किसके क्या तैयार किए जाते हैं, खजूर के तैयार किए जाते हैं। अब राजस्थान में टिश्यू कल्चर की तीन लेबोरेटरी है, एक तो है श्री गंगानगर में जो किन्नू और माल्टा के विकास के लिए बनाई गई है। टिश्यू कल्चर के जो पौधे होते हैं ना वो बहुत ही बढ़िया होते हैं और मात्र पौधों के बिल्कुल क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरी जो लेबोरेटरी है वो है झालावाड़ के अंदर जो नागपुरी संतरा के डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। और तीसरी जो सबसे कामयाब लेबोरेटरी है, सबसे कामयाब जो टिश्यू कल्चर लैब है वो जोधपुर में है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 2011 में अशोक गहलोत जी ने करवाई थी। और इस ये लेबोरेटरी है वो अतुल प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंस जो कंपनी सॉरी अतुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको दे दिया गया था। यहां पर खजूर के बहुत सारे पौधे तैयार होते हैं और किसानों को इस पर सब्सिडी भी मिलती थी। तो तीन लेबोरेटरी है, गंगानगर, झालावाड़ और जोधपुर। जोधपुर वाले का उद्देश्य खजूर के पौधे तैयार करना, झालावाड़ वाली लेबोरेटरी का उद्देश्य किन्नू और माल्टा के उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करना, और किन्नू और माल्टा के उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करना, और झालावाड़ वाली का उद्देश्य नागपुरी संतरे के उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करना। तो ये हो गया माइक्रो प्रोपोगेशन, यानी उत्तक संवर्धन से जो पौधा तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। अब इसमें एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है जो आपको बता देते हैं। पौधे के अंदर जब सामान्यतः कौन से रोग होते हैं, कवक जनित रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं,
वायरस जनित होते हैं और या माइकोप्लाज्मा जनित होते हैं, लेकिन जनरली ये सबसे ज्यादा होते हैं। कवक और जीवाणु जनित रोगों का इलाज तो अपने कवकनाशी से और जीवाणुओं का प्रतिजैविक से एंटीबायोटिक से भी कर सकते हैं। वायरस का कोई इलाज नहीं है, वायरस रोग अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से ही जाता है। तो पौधे के अंदर क्या होता है, जैसे ही वायरस का अटैक होता है तो वायरस उसके शीर्ष तक कभी नहीं पहुंच पाता है, वो शीर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेगा इतने में शीर्ष और बढ़ चुका होगा। अगर हम क्या कर लें, पौधे का शीर्ष भाग ले लें किसके रूप में, कटोतक के रूप में, यानी इससे नया पौधा तैयार करेंगे तो वो वायरस जनित रोग उसके अंदर नहीं होगा। बाकी अपने इसका कोई भी भाग लेंगे, बीज शाखा या जड़ वगैरह, उनमें क्या हो सकता है, वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, उसको अपने कंट्रोल भी नहीं कर सकते, किसी भी ट्रीटमेंट से भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आपको वायरस रोग मुक्त पौधा तैयार करना है तो पौधे का शाखा का शीर्ष भाग लेके कर सकते हैं। तो शीर्ष में क्या होता है, मेरिस्टेम होता है, यानी विभिज्योतक होता है। शीर्ष भाग से नया पौधा तैयार करना विभिज्योतक कल्चर कहलाता है, विभिज्योतक संवर्धन कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको, मेरिस्टेम कल्चर बोल देते हैं। क्या बोलेंगे इसको, मेरिस्टेम कल्चर बोल दिया जाता है, ठीक है। अब देखो विभिज्योतक संवर्धन या मेरिस्टेम कल्चर से क्या होता होगा, वायरस मुक्त पौधा, वायरस मुक्त है इसका मतलब सभी रोग से मुक्त है और दूसरे रोग का इलाज हो ही जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रोग मुक्त पौधा या वायरस रोग मुक्त पौधा तो किससे तैयार किया जाता है, तो विभिज्योतक संवर्धन से तैयार किया जाता है या मेरिस्टेम कल्चर से तैयार किया जाता है। एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, देखो अपने फ्लावर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फूल के अंदर अंदर वाला भाग है वो मादा भाग है, और ये बाहर वाला भाग है ये कौन सा है, नर भाग है। ये एंथर है, पराग कोष है, इनके अंदर ऐसे कण पाए जाते हैं जिनको अपने क्या बोलते हैं, पराग कण कहते हैं। पराग कण जो है वो क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। युग्मक का निर्माण हमेशा किससे होता है, अर्धसूत्री विभाजन से। अगर ये पौधा द्विगुणित के हिसाब से इसमें गुणसूत्र संख्या 18 थी तो पराग कण में कितनी होगी, 9 होगी। अगर आपने पराग कण लेके नया पौधा तैयार कर लिया तो अगुणित पौधा होगा, अगुणित पौधा यानी हैप्लोइड प्लांट। हैप्लोइड प्लांट या अगुणित पौधा तैयार करने की सिर्फ एक ही विधि है, वो कौन सी है, पराग को लेकर उसका क्या करवा दो, संवर्धन करवा दो। तो इसको अपने बोल देंगे पराग संवर्धन, इसको अपने क्या बोलेंगे, पराग संवर्धन, या इंग्लिश में बोल देंगे पोलन कल्चर। पोलन कल्चर या पराग संवर्धन से अपने क्या कर सकते हैं, अगुणित या हैप्लोइड प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया माइक्रो प्रोपोगेशन। अब अपने नेक्स्ट अलैंगिक प्रवर्धन की विधियों की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट अलैंगिक प्रवर्धन की विधियों में है ग्राफ्टिंग और बडिंग, यानी इन दोनों को मिला के अपने क्या कह देते हैं, ग्राफ्टेज कह देते हैं। इसका अपने डिस्कशन अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।